So here Xiaomi started rolling out MIUI 14, MIUI 13 new updates. आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पे 2023 का एंड आ चुका, लेकिन तब भी यहाँ पे Xiaomi MIUI 13 के भी स्टेबल अपडेट्स कुछ Xiaomi डिवाइसेस के लिए रिलीज़ कर रही है, और उन Xiaomi डिवाइसेस के लिए MIUI 13 को अब रिलीज़ कर रही है जिनके पास MIUI 14 ऑलरेडी है। सो यहाँ पे कुछ रीजंस में उन डिवाइसेस को MIUI 13 देखने के लिए मिला, और MIUI 14 के न्यू अपडेट्स कौन कौन से डिवाइसेस के लिए रिलीज़ किए जा रहे हैं इसकी भी मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देता हूँ, और कौन कौन से आपको Xiaomi डिवाइसेस में मी डायलर के न्यू अपडेट्स मिलते हैं ये भी मैं आपको शो कर देता हूँ। सो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको Redmi Note 10s के लिए 13.0.16.0 ग्लोबल स्टेबल अपडेट Android 12 पे फुली रिलीज्ड हो चुका है। Poco M5s के लिए जो Redmi Note 10s का रिब्रांडेड डिवाइस है इसके लिए 13.0.11.0 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट फुल रिलीज्ड हो चुका है। और इसी के साथ इनमें आपको मी डायलर के सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलते क्योंकि ये ग्लोबल स्टेबल के अपडेट्स हैं। और इसी के साथ Poco F5 Pro में 14.0.6.0 ग्लोबल स्टेबल अपडेट Android 13 पे रिलीज्ड हो चुका है, और Poco F5 Pro यानी कि चाइना में जो Redmi K60 है इसके लिए HyperOS Android 14 की इंटरनल बेटा टेस्टिंग बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। सो सिंपली स्टे ट्यून्ड रहिए, जब भी इसके रिगार्डिंग इंटरनल बेटा टेस्टिंग स्टार्ट होगी मैं लॉन्ग वीडियो और इसके रिगार्डिंग आर्टिकल भी अपनी वेबसाइट पर क्रिएट कर दूँगा। और इसी के साथ यहाँ पे Redmi Note 10 Pro के लिए 14.0.8.0 ग्लोबल स्टेबल अपडेट MI Pilot से पब्लिक में रिलीज़ हो चुका है, और इसके मैं डाउनलोड लिंक्स फिर से पोस्ट कर चुका हूँ। सो आप इसको भी अब मैनुअली अपने Redmi Note 10 Pro ग्लोबल में फ्लैश कर सकते हैं। और यहाँ पे Redmi Note 10 Pro के लिए 14.0.7.0 यूरोप स्टेबल अपडेट बेटा टेस्टर्स के लिए रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और इसी के साथ यहाँ पे कुछ और न्यू बेटा अपडेट्स जैसे कि Xiaomi 14 Pro के लिए HyperOS 23.11.4.dev बेटा अपडेट रिलीज़ कर दिए गए हैं Xiaomi 14 एंड Xiaomi 14 Pro के लिए, और इसमें आपको कुछ न्यू चेंजेस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे Xiaomi 13 Pro के लिए Android 14 14.0.6.0 में फुल रिलीज़ हो चुका है। Xiaomi 12T के लिए यूरोप स्टेबल अपडेट, Xiaomi 12T के लिए ग्लोबल स्टेबल अपडेट, Xiaomi 13 Pro के लिए ग्लोबल स्टेबल अपडेट, Xiaomi 13 के लिए ग्लोबल स्टेबल अपडेट Android 14 पर बेस्ड इन सारे बिल्ड्स में 14.0.6.0 से 14.0.7.0 तक फुली रिलीज्ड यहाँ पे कर दिए गए हैं। सो अब आप इन अपडेट्स को भी ईजिली फ्लैश कर सकते हैं क्योंकि ये सारे स्टेबल अपडेट्स बेटा टेस्टर से फुली रिलीज हो चुके हैं। फास्ट बूट रोम सभी डिवाइसेस की यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है। और इसी के साथ Redmi Note 11 Pro 4G के लिए 14.0.3.0 इंडिया स्टेबल अपडेट बेटा टेस्टर्स के लिए नवंबर सिक्योरिटी पैच के साथ रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और Redmi K60 Ultra यानी कि Xiaomi 13T Pro के लिए चाइना में 14.0.14.0 चाइना स्टेबल अपडेट अक्टूबर सिक्योरिटी पैच के साथ रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और इसी के साथ यहाँ पे कुछ और न्यू स्टेबल अपडेट्स भी रिलीज़ हो चुके हैं वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। Xiaomi 13 के लिए चाइना में 14.0.5.0 चाइना स्टेबल अपडेट जो आपको मी डायलर के सपोर्ट के साथ मिलता है, और हम सभी को पता है यहाँ पे मी डायलर के सपोर्ट चाइना, इंडोनेशिया, ताइवान और इंडिया में जो न्यू डिवाइसेस लॉन्च हो रहे हैं उनमें देखने के लिए मिल जाता है। और इसी के साथ यहाँ पे Redmi Note 11 Pro के लिए 14.0.3.0 इंडिया स्टेबल अपडेट, Xiaomi Pad 5 के लिए 14.0.7.0 इंडिया स्टेबल अपडेट, Mi 11 Lite के लिए 14.0.3.0 यूरोप स्टेबल अपडेट, Redmi Note 11 NFC के लिए 14.0.3.0 यूरोप स्टेबल अपडेट भी रोलिंग आउट होने स्टार्ट हो चुके हैं। सो ये सारे स्टेबल अपडेट्स यहाँ पे इन Xiaomi डिवाइसेस में इन रीजन्स में रोलिंग आउट होने स्टार्ट हो चुके हैं। सो आपको कौन से स्टेबल अपडेट्स का वेट था ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और इन्हीं के साथ Poco X5 Pro के लिए 14.0.5.0 ग्लोबल स्टेबल अपडेट भी बेटा टेस्टर्स के लिए रिलीज़ हो चुका है। सो यहाँ पे Redmi Note 11 सीरीज, Poco X5 Pro, Poco F5 Pro और Redmi Note 11 NFC इन में ये स्टेबल अपडेट्स रोलिंग आउट होने स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपके डिवाइस का नाम इसमें था तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी
अगर आपका डिवाइस यहाँ पर नहीं था तब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी उनमें रिलीज होगा मैं लॉन्ग वीडियो क्रिएट कर दूंगा कि यहाँ पे ये सारे स्टेबल अपडेट्स रोलिंग आउट होने स्टार्ट हो चुके हैं।